हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवाज व्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट कैसे आए। मेरी फ्लाइट थी 27 दिसंबर को लखनऊ टू जद्दा, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, बने रहे आखिरी तक। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी यही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपकी वैक्सीन सऊदी अरब में दोनों लगी है तो आप डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं बिना क्वारंटाइन के, बिना पैकेज के। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट आ रहे हैं तो कोशिश करें, चाहे आप दिल्ली से आ रहे, चाहे लखनऊ से आ रहे, चाहे बॉम्बे से आ रहे, कोशिश करें आप डायरेक्ट फ्लाइट लेने की। क्योंकि अगर आप वाया होके आप लेते हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, काफी सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। क्योंकि मेरी फ्लाइट थी 10 दिसंबर को दिल्ली टू कुवैत, कुवैत से जद्दा, तो हमें एयरपोर्ट से वापसी कर दिया गया था क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था कुवैत का, वेटिंग का, इसीलिए मुझे कुवैत से वापसी कर दिया गया, तो मेरा पैसा बर्बाद हो गया। फिर मैंने डायरेक्ट फ्लाइट ली लखनऊ टू जद्दा। तो आप भी जब भी आए सऊदी अरब, अगर आपकी वैक्सीन दोनों सऊदी अरब की लगी है तब भी आ सकते हैं, अगर इंडिया की लगी तब भी आ सकते हैं। अगर इंडिया की वैक्सीन लगी है तो आपको 5 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। और इसमें दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको जो है हेल्थ पासपोर्ट की रिपोर्ट ले लेनी है, और दूसरी चीज़ सेहती ऐप, ये दोनों चीज़ आपको दो दो कॉपी रख लेनी है अपने पास। और तीसरी, जब आप उधर से आने लगें RT-PCR टेस्ट करा ले, जो नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापसी कर दिया जाएगा। उसकी भी दो दो कॉपी आपको रख लेना है। और सबसे चौथी चीज़ है पासपोर्ट की फ़ोटो कापी, ये सारी चीज़ आप लेके एयरपोर्ट पर जाएँ, वहाँ पे आपकी सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे मोहर मार दी जाएगी, और वो डॉक्यूमेंट आप दिखा के एंट्री अंदर कर सकते हैं। उसके बाद वोटिंग कार्ड आराम से आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट आ रहे हैं तो बेफिक्र होकर आइए, लेकिन कोशिश करिए फ्लाइट डायरेक्ट होनी चाहिए। फ्लाइट डायरेक्ट रहेगी आपको कोई दिक्कत ना होगी, अगर वाया होकर रहेगी तो आपको आपके पास वीज़ा होना चाहिए या तो फ्लाइट एक ही सेम हो। और टिकट अगर आप बुक कर रहे हैं इंडिया से तो कोशिश करें ऑफलाइन ही कराएं, एजेंट से ऑनलाइन कराएं तो सोच समझ के, क्योंकि इंसान इतने टाइम बहुत धोखा खा रहा है, मैंने दो दो बार धोखा खाया है हमने। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, टाइम नहीं बर्बाद किया आप लोगों का, तो थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई नहीं हुई अभी ऐसा लग रहा है मुझे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपका वक्त ना ज़ाया करते हुए, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।